हे दोस्तों, क्या आपको पता है टॉप 1% लोग जो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं वो लोग कैसे अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं? वेल, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च की एक स्टडी ने इसका आंसर दिया है। इस स्टडी में क्या किया कि उन्होंने 2500 अमेरिकन जिन्होंने टोटल $1 million से ज्यादा के पैसे इन्वेस्ट करे हैं, ऐसे लोगों के पोर्टफोलियो को उन्होंने अच्छे से स्टडी करा, जिसमें कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले। देखो, ऑन एवरेज सभी रिच लोगों का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इक्विटीज या स्टॉक्स पर ही डिपेंडेंट था, जो कि उनका 53% बनाता है, और बाकी बचे 15% बॉन्ड्स, 11% कैश, और रेस्ट उनके रियल एस्टेट और बाकी के ऑप्शन में इन्वेस्टेड थे। आपने ये डायलॉग शायद सुना ही होगा कि शेयर मार्केट इतना गहरा कुआ है जो पूरे देश की पैसे की प्यास को बुझा सकता है। अब ये बात सच है कि नहीं, आप कमेंट करके बताओ। बट हाँ, ये बात तो काफी एक्सपर्ट सच बोलते हैं कि लॉन्ग रन में स्टॉक्स बाकी सारे एसेट क्लास को आउट परफॉर्म कर देता है। इसीलिए दुनिया के टॉप 1% लोग भी अपने बहुत सारे पैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और आज मैं आपको उन्हीं टॉप 1% रिच लोगों के कुछ इन्वेस्टमेंट सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूंगा, जो उन्हें एवरेज इन्वेस्टर से हटके एक ग्रेट इन्वेस्टर बनाता है। और साथ ही साथ गुड न्यूज ये भी है कि आज मेरे पास आपके लिए गिफ्ट भी है, जहां मैं आपको फ्री में गूगल के स्टॉक्स देने वाला हूं, जिसकी डिटेल आपको आगे वीडियो में मिलेगी। बट पहले स्टार्ट करते हैं उन 5 लेसन से जो टॉप 1% लोग इन्वेस्टमेंट के लिए फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, वॉरेन बफेट आज दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर है, बट ऐसा नहीं है कि उनके सभी फाइनेंशियल डिसीजंस हमेशा एकदम सही ही रहते हैं। इनफैक्ट उन्होंने भी कई एवरेज लोगों की तरह कई सारी इन्वेस्टमेंट मिस्टेक करी है, जिसमें से एक मिस्टेक तो वो बोलते इतनी बड़ी थी जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए, इतना बड़ा वो फाइनेंशियल डिजास्टर था। तो बात यह है कि 2014 में उन्होंने डेक्स्टर शू कॉर्पोरेशन को खरीदने के लिए $433 million पे करे थे, पर इस अमाउंट को उन्होंने कैश से पे नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अपने बर्कशायर हैथवे के शेयर्स को यूज करा था वो परचेस करने के लिए। जिसके बाद फिर कुछ टाइम बाद जब उन्होंने शेयर होल्डर्स को लेटर लिखा इस बात को बताने के लिए, तब तक उनके शेयर्स की वैल्यू $5.7 billion की हो गई थी। मतलब समझ रहे हो आप कितनी बड़ी गलती हो गई उनसे। अब देखो, हाँ, ये बात तो सच है कि आप अभी $1 million कंपनीज को बाय या सेल करने नहीं जा रहे हो, बट वॉरेन बफेट की इस मिस्टेक से आप सीख सकते हो कि जो इन्वेस्टिंग होती है ना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो सकती है सेविंग के कंपैरिजन में। मैक्सिमम लोग अपने पैसे सेव करने पे ध्यान देते हैं, वो इन्वेस्टमेंट पे फोकस नहीं करते हैं। वो सेव किए पैसे को बार बार खर्च भी करते हैं अलग अलग चीजें खरीदने के लिए, पर कई बार जो चीजें आप खरीदते हो अपनी सेविंग से, उसके बजाय अगर आप वही पैसे को इन्वेस्ट करोगे तो वो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स दे सकता है। इसीलिए लेसन नंबर 1 ये याद रखो कि आप सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट पे भी बहुत ज्यादा फोकस करो। अभी आपका बहुत ज्यादा मन करेगा कि आप सेविंग ना करो, SIPs ना करो, उसे तोड़ लो और उसके पैसे को यूज करके कुछ खरीद लो। लेकिन याद रखो, ये जो पैसे जो आप इन्वेस्ट करोगे ना, वो आपकी सेविंग से कई गुना ज्यादा आपको रिटर्न्स दे सकते हैं और आपको लॉन्ग रन में बहुत अमीर बना सकते हैं। इसलिए पहला लेसन यही याद रखो कि जो टॉप 1% लोग होते हैं ना, वो लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच के डिफरेंस को बहुत अच्छे से समझते हैं और वो लोग हमेशा ज्यादा इन्वेस्टमेंट पर फोकस करते हैं। सेकंड लेसन, इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। फरवरी 2017 में स्क्वॉक बॉक्स के साथ एक इंटरव्यू के दौरान वॉरेन बफेट से जब पूछा गया कि उन्होंने आज तक अमेज़न के स्टॉक्स क्यों नहीं खरीदे, तो इसके ऊपर वॉरेन बफेट ने एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने अमेज़न के शेयर्स खरीदने का सोचा था, पर उस टाइम अमेज़न का जो मॉडल था ना, वो मुझे इतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा था, जबकि वो अच्छी खासी प्रॉफिट में भी था, पर स्टिल क्योंकि मुझे अच्छे से समझ नहीं आ रहा था उनका मॉडल, इसलिए ही मैंने एक भी स्टॉक नहीं खरीदा। और देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट में एक भी ऐसा इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड नहीं है जिसे वो अच्छे से समझते नहीं है कि कंपनी कैसे काम करती है, पैसे कैसे आने वाले हैं, और ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते हैं। ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट को सट्टा बाजार की तरह देखते हैं, जहां आपकी लक सही रहे तो आप बहुत पैसे कमा लोगे, वहीं अगर आपकी किस्मत खराब रही तो आप कितने भी हाथ पर मार लो, आपके पैसे डूब जाएंगे। पर ये जो बात है ना, वो बिल्कुल गलत है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने को अगर आप एक स्किल की तरह यूज करोगे, मतलब इन्वेस्टिंग के बारे में सीखोगे, उसके लिए नॉलेज गेन करोगे और अपनी स्किल्स पे धीरे धीरे काम करते रहोगे, प्रैक्टिस कर करके वर्चुअली, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आते हैं जहां से आप अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो। ऐसी जगहों से जाके जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्किल को इम्प्रूव करोगे, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बुक्स पढ़ने लगोगे, तो ये चीज से क्या होगा कि आपके इन्वेस्टमेंट का कंट्रोल आपके हाथ में आने लगेगा धीरे धीरे। हाँ, कोई भी चीज 100% आपके कंट्रोल में कभी नहीं रहेगी, लेकिन याद रखो, लेसन ये है कि नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। अगर आप जो चीज को समझोगे नहीं, तो बहुत ज्यादा चांस है कि वहां पे आपके पैसे डूब सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखो, जनरली होता क्या है कि एक कंपनी के स्टॉक सडनली बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं, जिसे बढ़ता देखकर क्या होता है कि लोगों के अंदर लालच आने लग जाता है। वो सोचते हैं कि यार, मैं भी अपने पैसे डाल देता हूँ, वो भी डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, और फिर मैं पैसे निकाल लूंगा। और फिर होता क्या है कि लोग अंधाधुन उसके अंदर पैसे डालते रहते हैं, स्टॉक्स खरीदते रहते हैं, जिसकी वजह से बबल क्रिएट हो जाता है। और बबल जितने भी, आपको पता ही होगा, बबल जो क्रिएट होते हैं वो बर्स्ट भी होते हैं, फूटते भी हैं। राइट नाउ देखें तो कुछ ऐसा ही हो रहा है इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला के साथ। पिछले 6 महीनों में टेस्ला के शेयर प्राइस $580 से लेकर $1,137 हो चुके हैं, जो कि 95.75% का ग्रोथ है, वो भी सिर्फ 6 महीनों में। अब इससे हो रहा क्या है कि ये ग्रोथ देखकर टेस्ला में सभी लोग इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, और बहुत से लोग बिना नॉलेज के कर भी रहे हैं। पर एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग बात यह है कि टेस्ला का जो स्टॉक है ना, वो $1 trillion से भी ज्यादा ओवरवैल्यूड है। इनफैक्ट इलॉन मस्क ने खुद भी ट्वीट करके ये कहा है कि टेस्ला का प्राइस राइट नाउ बहुत ज्यादा है।
इसलिए अगेन लेसन यही है कि रिच लोग कभी भी ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करते हैं जिसके बारे में उन्हें अच्छे से नॉलेज नहीं होती है, समझ नहीं होती है। जैसे वॉरेन बफेट वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, हर कंपनी की वैल्यूएशन, प्रॉफिट एंड लॉस सब अच्छे से कैलकुलेट करने के बाद ही उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही आपको भी करना चाहिए। हाँ देखो, आजकल क्रिप्टो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, पर बात यह है कि अगर आपको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ज्यादा अच्छे से नॉलेज नहीं है तो आपके लिए उसके अंदर इन्वेस्ट करना काफी रिस्की होगा, और बस पीयर प्रेशर में आके आपको बस इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए बिना समझ के, और कर भी रहे हो तो सिर्फ उतने ही पैसे इन्वेस्ट करो जो लॉस भी हो जाए तो गम ना हो, मतलब कम करो। अब देखो एक और चीज है, हम इंडियंस है ना डेली बेसिस पे बहुत सारे अमेरिकन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, उनकी सर्विसेज यूज करते हैं, लाइक नेटफ्लिक्स यूज करते हैं, अमेजोन यूज करते हैं, गूगल तो यूज करते ही हैं जिसमें यूट्यूब भी आता है, और जो चीजें हम यूज करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको ये पॉइंट में बताया कि आपको उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका बिजनेस मॉडल समझते हो, जिसे आप यूज करते हो। ऑब्वियसली जो चीज को आप यूज करोगे तो उससे रिलेटेड आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी, आपको पता होगा कि हाँ कितनी चीज चल रही है, फ्यूचर में कितना चल सकती है। सो ऐसे ही देखा जाए तो आप अभी बहुत सारे अमेरिकन प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो जो आपको पता भी है कि हाँ बहुत बड़ी कंपनीज है और आने वाले टाइम में बहुत डोमिनेट कर सकती है और करने वाली है, तो ऐसी जगह पे थोड़े बहुत अपने पैसे इन्वेस्ट करना आपके लिए समझदारी होगी। गूगल, अमेजोन ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज की ग्रोथ में कुछ पैसे इन्वेस्ट करने से आपके पैसे भी ग्रो होंगे। और ये कैसे कर सकते हो? ऑब्वियसली आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके ये कर सकते हो। आपको पता ही है कि एप्पल, टेस्ला, गूगल, फेसबुक ये सारी कंपनीज की ग्रोथ अच्छी हो रही है, और अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में भी ये ग्रो होते ही रहेंगे तो आप इन कंपनीज के स्टॉक्स को खरीद सकते हो, इवन फ्रैक्शनल शेयर्स बाय कर सकते हो इसके। अब फ्रैक्शनल क्या होता है? वेल, फ्रैक्शनल शेयर्स मतलब एक स्टॉक का छोटा सा पार्ट। प्लस आज ही मैं कैसे न्यूज पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि जो इंडियन रुपीज है ना वो डॉलर के कंपैरिजन में हर साल डेप्रिशिएट होता जा रहा है। इस रीजन की वजह से भी अगर आप यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आप इसका फायदा उठा सकते हो। जब भी रुपीज डेप्रिशिएट होंगे तो इससे आपको फायदा होगा। अब देखो, पहले प्रॉब्लम ये थी ना कि यूएस स्टॉक्स में इंडिया से इन्वेस्ट करने में पहले काफी चार्जेस लगते थे, कमीशन इन्वॉल्व होते थे, बट अभी जो आईएनडी मनी ऐप आया है इस ऐप ने ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है। मैं खुद भी आईएनडी मनी ऐप यूज करता हूँ। जीरो अकाउंट ओपनिंग फीस, जीरो मेंटेनेंस फीस, जीरो ब्रोकरेज फीस, बिना ये सब दिए यूएस स्टॉक्स की बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको बेस्ट एक्सचेंज रेट भी मिलते हैं जिसकी हेल्प से फिर आप अपनी फेवरेट यूएस कंपनीज और ईटीएफ्स में आप एक छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। इमेजिन करो, अगर आप गूगल, एप्पल ये सारी कंपनीज के शेयर्स सिर्फ 10-20 हज़ार रुपए डाल के भी ओन कर पाओगे तो आपको कैसा फील होगा। नाउ देखो, गुड न्यूज पे आते हैं अभी, बिकॉज ये फेस्टिव टाइम चल रहा है इसलिए यहाँ पे अब आपके लिए कुछ स्पेशल होने वाला है और मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं आपको आईएनडी मनी के साथ मिलके गूगल के शेयर्स बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। यस, बस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप आईएनडी मनी डाउनलोड करो और साइन अप करो, आपको गूगल के शेयर्स फ्री में मिल जाएंगे जो आप रिवॉर्ड सेक्शन में देख सकते हो। या फिर अगर आप अलग से ही प्ले स्टोर या एप स्टोर से आईएनडी मनी इंस्टॉल करते हो तो साइन अप करते टाइम आप CKNGOOG ये कोड यूज करके गूगल के शेयर्स फ्री में रिवॉर्ड की तरह ले सकते हो। प्लस अच्छी बात यह है कि ये लिंक जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और ये जो कोड है वो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हो, उन्हें भी फ्री में मिल जाएगा ये गिफ्ट। तो फ्री में जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है मैं तो बोलता हूँ ले लो, जितने लोगों को दे सकते हो दे दो। अब आते हैं नेक्स्ट लेसन पे, अवर्ट लॉस अवर्जन। देखो, जब भी आप मार्केट में अपने पैसे डालते हो तो देखना वो इमीडिएटली स्विंग करने लगते हैं, कभी प्राइस बढ़ता है कभी कम हो जाता है, जिसे वॉलेटिलिटी कहते हैं। अब कई बार क्या होता है ना, जब भी पैसे ऊपर जाते हैं तब तो अच्छा लगता है, लेकिन पैसे जब भी नीचे जाते हैं इन्वेस्ट करने के बाद तो इससे फिर हमारे इमोशंस भी ऊपर नीचे होने लगते हैं, और इकोनॉमिस्ट ने इस फीलिंग को नाम भी दिया है जिसे बोलते हैं लॉस अवर्जन। देखो, अगर आपको 500 रुपए कहीं से मिल जाएंगे ना तो आपको खुशी होगी, बट ऑब्वियस है, लेकिन अगर आपके 500 रुपए घूम जाएंगे ना तो जो 500 रुपए की खुशी थी ना वो कम होगी कंपेयर टू उस दुख के जो 500 रुपए घूमने पे हमें होता है, और इसे ही लॉस अवर्जन कहते हैं। और ये जो लॉस अवर्जन है ना ये लाइफ के सभी एरियाज में यूज होता है, स्पोर्ट्स में, रिलेशनशिप में, हर जगह, और स्पेशली पैसों के मामले में भी ये काफी ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि जब आप अपने पैसा ग्रो होते हुए देखते हो तो आपको लगता है आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं जिससे आपको खुशी होती है, पर जब आपके पैसे जो आपके पैसे हैं वो कम होने लगते हैं तो आपको लगता है कि आपकी मेहनत जो थी, आपकी मेहनत की जो पैसे थे, मेहनत की जो कमाई थी वो गायब हो रही है, जो काफी दुख देता है, प्रॉब्लम देता है। इसीलिए ही आपको याद रखना है कि आपको अपने पैसों को सिर्फ पैसों की तरह देखने के बजाय उसे इन्वेस्टमेंट की तरह देखने आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने बहुत रिसर्च करके एक अच्छी कंपनी ढूंढी, उसकी वैल्यूएशन करी, वॉरेन बफेट की सारी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करी, वैल्यू इन्वेस्टिंग करी और अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिए। अब क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है, इतना टाइम, इतना मेहनत करी, रिसर्च लगाया, और ये सब करने के बाद जब आपके पैसे डूबने लग जाएंगे ना तो ये काफी आपको प्रॉब्लम देगा, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे और बहुत बार गलत डिसीजन ले लोगे। जबकि जो रिच लोग होते हैं ना वो एक साथ कई बार बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मार्केट ऊपर नीचे होने की वजह से कई बार होता है कि उनके पैसे की वैल्यू कम होने लग जाती है, स्टॉक्स की वैल्यू कम होने लग जाती है, लेकिन वो लोग तब डरते नहीं है, पैनिक नहीं करते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि ये इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट जो होती है ना वो कई बार नीचे जाती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए उसमें खेलते रहोगे, इन्वेस्ट करते रहोगे स्टॉक मार्केट में स्पेशली, तो उसमें आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए इन्वेस्टमेंट को हमेशा एक लॉन्ग टर्म गेम की तरह देखो। लेसन नंबर 4 ये है, डोंट फोकस ऑन योर मनी। अमीर बनने का सीक्रेट पैसा नहीं है,
ये मैटर नहीं करता है कि आप कितने पैसे कमा रहे हो, बल्कि आप पैसों के बारे में कैसे सोचते हो ये डिसाइड करता है कि आप अमीर बनोगे या नहीं। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप पैसों के बारे में सोचते ही नहीं हो, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि आप इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। क्योंकि आजकल लोग इन्वेस्टमेंट को बस एक ऑप्शन की तरह देखते हैं, जहां वो पैसे डालेंगे और उनको पैसे डबल होकर मिलेंगे, जबकि दुनिया के टॉप परसेंट लोग पैसे को एक टूल की तरह देखते हैं जिसका यूज करके वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक रिच लाइफ मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपका फोकस स्टॉक मार्केट में सिर्फ पैसे कमाना है, जहां आप कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करो और कुछ सालों में वो इंक्रीज हो जाएंगे और आप उसे निकाल लोगे, बहुत अमीर हो जाओगे, तो ये बेसिकली एक एवरेज इन्वेस्टमेंट अप्रोच है। और ज्यादातर लोग इसी अप्रोच की वजह से इन्वेस्टमेंट के गेम में ज्यादा अच्छा नहीं कर पाते हैं, जबकि जो रिच लोग होते हैं ना, वो लोग इस पे फोकस करते हैं कि वो कैसे इन्वेस्टमेंट से अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आज दुनिया के हर 10 बिलियनर्स में से 9 सेल्फ मेड है, और मोस्टली सभी ने अपनी वेल्थ एक सही इन्वेस्टमेंट से अर्न करी है। अब हाँ, कुछ लोग इसे लक बोल सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। सीक्रेट तो यह है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात ये नहीं करते हैं, कि जो रिच लोग होते हैं ना, दे डोंट फोकस ऑन देयर मनी दैट मच। आई नो, अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि ये क्या मैं बोल रहा हूँ कि अमीर बनने के लिए पैसों पर फोकस ना करो, बट सच तो यह है कि यही सच है। द सीक्रेट टू ग्रोइंग योर वेल्थ इन्वेस्टिंग रिक्वायर्स यू टू अंडरस्टैंड दैट टू मेक मनी विद मनी यू हैव टू बी विलिंग टू लूज योर मनी एटलीस्ट समटाइम्स। इन्वेस्टिंग से अपनी वेल्थ बिल्ड करने का एक सीक्रेट ये है कि आपको ये समझना होगा कि कई बार आपको पैसे कमाने के लिए पैसे खोने भी पड़ सकते हैं, और जो रिस्क होता है ना, वही अच्छा रिवॉर्ड भी देता है, अगर आप वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो। लास्ट लेसन, तो जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तब पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बल्कि आपका ये बिलीव इंपॉर्टेंट होता है कि उस पैसों से क्या क्या हो सकता है, वो आपके लिए ज्यादा मैटर करता है। और यही एक रीजन है जिससे अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब, क्योंकि एवरेज लोगों के लिए पैसा उनके लिए चीजें खरीदने का एक टूल है। अब क्योंकि वो उससे बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, इसलिए वो पैसा उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो प्रेशियस बन जाता है। एवरेज लोगों की ह्यूमन साइकोलॉजी ये बोलती है कि हम पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं, न्यू फोन, गाड़ी, घर, सब कुछ खरीदने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा सिर्फ मेहनत करके, काम करके ही कमाया जा सकता है। इसलिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करते टाइम सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं, जहां कई बार लोगों को कंपनी से, उसकी वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है। कि वहीं रिच लोग है ना, पैसे को थोड़ी अलग नजरिए से देखते हैं, एक टूल की तरह देखते हैं जिसे सिर्फ काम करके कमाया नहीं जा सकता है, बल्कि आप इसे क्रिएट कर सकते हो, इसे बिल्ड कर सकते हो, उसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, समझ रहे हो। जब रिच पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट को पैसों से एसोसिएट नहीं करते हैं, बल्कि वो उस कंपनी की ओनरशिप से खुद को कनेक्ट करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मैं इसमें पैसे डाल रहा हूँ और पैसे से क्या होगा, वो ये सोचते हैं कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और ये कंपनी मुझे आगे बहुत ज्यादा पैसे कमा के देगी, क्योंकि ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये कंपनी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है, ये अच्छे लोगों को सर्व करती है, इसके जो फाउंडर्स है वो अच्छा है, इसकी जो टीम है वो अच्छी है, इसका जो प्लान है वो अच्छा है, इसका जो विजन है वो अच्छा है। और ऐसी जब वो सोच के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तभी उनकी ये सोच उन्हें अच्छे से इन्वेस्ट करके पैसे कमाने में हेल्प करती है, जो सोच आपकी भी होनी चाहिए। लास्ट लेसन यही याद रखो कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो आप एक ओनर की तरह इन्वेस्ट करो, ना कि इन्वेस्टमेंट को एक स्कीम की तरह देखो जिसमें 25 दिन में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। बस यही थे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन जो उस रिसर्च ने बताई थी। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, अब वापस आईएनडी मनी की बात करें तो इमेजिन करो कि अगर आपके जो एक्सपेंसेस है वो भी ऑटोमेटिकली आपके इन्वेस्टमेंट बन जाए, तो क्या ये चीज अच्छी होगी? वेल, आईएनडी मनी के थ्रू ये चीज आप पॉसिबल कर सकते हो, क्योंकि आईएनडी मनी आपको क्या करता है कि क्रेडिट कार्ड स्पेंड करने पे भी फ्री के यूएस स्टॉक्स देता है। मतलब स्टारबक्स की कॉफी परचेस करने पर स्टारबक्स के स्टॉक, या फिर अमेजोन के शॉपिंग करने पर अमेजोन के स्टॉक्स, ये चीजें आपको मिल सकती है आईएनडी मनी के थ्रू। सो अगर आप ये सारे फायदे उठाने चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में ऐप दिया हुआ है, वहां से जाइए, उसे डाउनलोड करिए, अपने फ्री के गूगल के शेयर्स क्लेम करो। ना ये ऐप जो है वो काफी सेफ है, मैं भी यूज करता हूँ इसे, और आईएनडी मनी को ओवर 2 मिलियन इंडियन यूजर्स यूज कर रहे हैं। तो आप बोल सकते हो कि ये काफी ट्रस्टवर्दी ऐप है जो काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है लोगों को फाइनेंशियल लाइफ उनकी ट्रांसफॉर्म करने में। तो आप भी इसका फायदा जरूर उठाओ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। अभी के लिए बस इतना ही, लाइक करो अगर आपको ये बातें काम की लगी हो, कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से कौन सा वो लेसन है जो यंग लोगों को फॉलो करना चाहिए जो मैंने शेयर नहीं किया। शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। सबसे मेन, अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो वो प्लीज दबा दीजिए। मैं ऐसी अमेजिंग अमेजिंग बातें और बुक्स की समरीज आपके लिए हर हफ्ते लेके आता रहूंगा। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।